हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीजन आर्ट एंड क्राफ्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, मेरे फर्स्ट चैनल मेहंदी सीजन को भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मेरे इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मुझे फॉलो करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये मिनी रोज फ्लावर बनाना बताऊंगी। ये देखें, मैंने इसकी लीव्स भी बनाई हैं। फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत ही सुंदर है। इसे आप लड्डू गोपाल जी के ड्रेस पे या बच्चों के कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाने के लिए यहाँ पर ली है ये ग्रीन कलर की ऊन और ये रेड कलर की ऊन ली है। ये मैंने बारीक वाली ली है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर 8 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। देखिए इसका हुक इस तरह का है। और ये देखिए, ये लीव्स कुछ इस तरह की बनेगी। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सबसे पहले इस तरह से एक लूप बनाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए और ये देखिए, अब हमें 16 चैन बनानी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। ये देखिए, 16 चैन बनाने के बाद हमें ये जो चैन है हमारी, ये वाली, इसे छोड़कर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखें इसी तरह से सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। हमारे टोटल 15 सिंगल क्रोशिया बने हैं। अब हमें इसे इस तरह से घुमाना है और यहाँ पर 5 चैन बनानी है। ये देखिए, 5 चैन बनाने के बाद हमें एक चैन स्किप करनी है और उससे अगली चैन में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देना है। फिर से 5 चैन बनानी है, फिर से एक चैन छोड़ेंगे और दूसरी चैन में स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये इसमें 7 बनाने हैं यहाँ तक। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर हमें इस होल में 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम कोई चैन नहीं बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है और हमें 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद देखिए, इसी होल से डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से यहाँ पर जोड़ देंगे। ये देखिए, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट होल में। ये देखिए, नेक्स्ट होल में हमारा 1 डबल क्रोशिया बन गया है। इसी तरह से हम सभी होल में 7 डबल क्रोशिया बनाकर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए, एक बन गया है। ये देखिए, 7 डबल क्रोशिया बना दिया है। फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर से इसी होल से डालकर स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे। इसी तरह से सभी होल में बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अब हम यहाँ से धागा काटते हैं। देखिए, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा कट करना है। ये देखिए, यहाँ से पकड़कर इस तरह से घुमाएंगे।
देखिए यहाँ पर ये जो धागा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था वही धागा सुई में डालकर इस तरह से यहाँ पर सिल देंगे। इस तरह से हमारा रोज फ्लावर दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर मैं इसके अंदर ये मोती लगा दूंगी। ये देखिए मैं यहाँ पर ये छोटे वाला मोती लगाऊंगी, आप चाहे तो ये बड़ा भी लगा सकते हैं। ये देखिए नोट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इस तरह की लीव्स बनाऊंगी। देखिए देखिए इसे बनाने के लिए हमें ग्रीन कलर की ऊन की जरूरत होगी, आप लाइट या डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से लूप बनाएंगे। हमें यहाँ पर 6 चैन बनानी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 6 चैन बनाने के बाद हमें हमारी जो फर्स्ट वाली चैन थी उस चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। ये देखिए 3 चैन बना लिया हमने। हमें यहाँ पर छोटे से बड़ा डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 बना दिया हमने। दो तीन, ये देखिए इसी तरह से हमें ये जो हमने बनाया है नेक्स्ट टाइम इससे बड़ा बनाएंगे थोड़ा। ये देखिए 3 बना दिए, 4, 5। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर 7 डबल क्रोशे बना लिए हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर छोटे से बड़ा बनाया है। इसी तरह से हमारी लीव की शेप आती जाएगी। अब हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। देखिए 3 चैन बनाने के बाद ये जो हमारे 7 डबल क्रोशिए वाली चैन है इसमें से इस तरह से डालेंगे। ये देखिए यहाँ से डालेंगे और देखिए ये जो है यहाँ से लेंगे इस तरह से और इस तरह से लूप लेते हुए ये देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। फिर से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें यहाँ पर हमने छोटे से बड़े बनाए हैं, अब हमें बड़े से छोटे बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है इधर साइड में। ये देखें अब हमें इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कुछ इस तरह से लीव बनकर आएगी। ये हमें यहाँ पर धागा कट कर देना है और ये देखें ये जो हमारा पहले वाला धागा था इन्हें दोनों को यहाँ पर आपस में नोट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी लीव बन गई है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी लीव्स बन गई है। इस पर फ्लावर पर इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए सुई धागे की हेल्प से इसे सिल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से सिल देंगे और यहाँ पर नोट लगा देंगे। देखिए नोट लगाने के बाद धागा कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कुछ फ्लावर बनकर आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्लावर बना लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर बना लिए। फ्रेंड्स मैं अब इनसे आपको एक ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ये चोली और ये बेस 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने बेस बनाया है
इस बेस को मैं इन फ्लावर की हेल्प से डेकोरेट करूंगी। ये बेस और चोली मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाना बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए मैं पहले इसके यहाँ पर नेक पर और यहाँ पर बाजू पर आउटलाइन करूंगी और यहाँ पर भी। ये मैंने देखे यहाँ पर 4 रो बनाई है। अगर आप बड़ा घेर करना चाहते हैं तो आप और ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, वो मैंने जिस वीडियो में मैंने ये बनाना बताया है उसी में बताया है कि किस तरह से बड़ा करना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिये फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये रेड कलर की ऊन से इसकी आउटलाइन करूंगी। मैंने लिया है यहाँ पर 8 नंबर का क्रोशिया, ये बारीक वाली ऊन यूज करूंगी मैं। ये देखिए इस तरह से धागा लगाएंगे। देखिए इस तरह से धागा लगाने के बाद यहाँ पर हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागा कट करेंगे। देखिए इस तरह से बैक साइड में इनकी नोट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इधर दूसरी बाजू में भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से हमने यहाँ पर बाजू पर आउटलाइन की है इसी तरह से हम यहाँ पर गले पर भी करेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चैन में से एक एक बार बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से नोट लगा देंगे। दूसरी साइड भी लगा देंगे। देखिए इस तरह से जो हमारा लूप आया है इसमें से धागे को निकालेंगे और ये देखिए इस तरह से नोट लगा देंगे। देखिए बैक साइड में यहाँ पर चिप चैट वाले बटन लगा देंगे हम। आप चाहे तो डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर चिट चैट वाले बटन लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर एक रो बनाऊंगी, हाफ डबल क्रोशिया की एक रो बनाऊंगी मैं। यहाँ पर ऐसे धागे को लगाएंगे। देखिए 2 चैन बनाएंगे। एक बारी तीनों लूप को निकाल लेंगे। सभी चैन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब ये हम यहाँ पर स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे। देखिए नोट लगा देंगे। तो
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरह का बेस है। ये मैंने यहाँ पर एक सबसे छोटा फ्लावर बनाया है, ये देखिए। ये मैं यहाँ पर आगे की साइड चोली पर लगाऊंगी, ये देखिए। आप चाहे तो इस साइड से भी आगे की साइड रख सकते हैं और इस साइड से भी रख सकते हैं। मैं इस साइड से आगे की साइड रखूंगी। ये देखिए जो हमारी लीव्स है, इसमें भी हल्का सा हम सिल देंगे इसे भी। देखिए नोट लगा देंगे और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये इसके बेस पर ये फ्लावर लगाएंगे। देखिए इस तरह से धागे की हेल्प से लगाएंगे। देखें लीव को भी हल्का सा सिल दें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सभी फ्लावर को लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से लगाने हैं हमें। चलिए मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर सभी फ्लावर लगा दिए हैं। ये देखिए, ये हमारी पोशाक कुछ ऐसी दिखाई देगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।